देख रहे हैं और ठाकुर क्या और हमारे साथ इस वक्त काका भाई जुड़ गए हैं जो लगातार वैसे सब्जी की जानकारी हमारे को दे रहे थे, लेकिन आज खाटू श्याम की शोभा यात्रा यहाँ निकाली गई है, क्या उपलक्ष्य है ये? आज जो है कल बाबा श्याम की मूर्तियों का डांगरी धाम में 9:21 में क्या नाम रखे जाएंगी, प्रतिष्ठा होगी, मूर्तियों की पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएंगी वो मूर्तियाँ। अच्छा, और आज जो है इन मूर्तियों का नगर भ्रमण कराया जा रहा है। बाबा श्याम की मूर्ति है, भद्रकाली की मूर्ति है, बालाजी हनुमान जी की मूर्ति है, हैं इन देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो है उनको आज नगर भ्रमण कराया जा रहा है। तो डांगरी में क्या भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है? हाँ, बहुत बड़ा, इस तरह का हिमाचल में ये पहला मंदिर है जिस तरह से ये बना है, और नंबर वन है जो ये खाटू गांव में, बहुत ही बढ़िया अलग सा मंदिर है ये हिमाचल में जो बना। क्या ये मंदिर बनकर तैयार हो गया है या अभी भी कुछ? ये पूर्ण रूप से तैयार है, सिर्फ गेट का काम रहा है, अंदर से ये पूर्ण रूप से तैयार है। इसमें 600 आदमी के बैठने की व्यवस्था है और साथ में वहाँ पे गौशाला भी है जिसमें 122 गायें हैं जो लोगों को पॉजिटिविटी देंगी, और बहुत अच्छी जगह एकांत है। मंदिर मूर्तियों की स्थापना कल होनी है? मूर्तियों की स्थापना कल 9:21 पे होगी जी, और उसके बाद, उसके बाद 12 बजे संजय कोहली जी आएंगे और उन्हें वो बाबा का गुणगान करेंगे, और 3:30 बजे तक वो बाबा का गुणगान करेंगे, और उसके बाद शाम रसोई चलाई जाएगी जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। जय श्री श्याम। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खाटू श्याम का मंदिर का डांगरी में निर्माण किया गया है और वहां पर कल खाटू श्याम की मूर्ति की स्थापना होनी है, और आज मूर्तियों का यहां पर नगर भ्रमण करवाया जा रहा है, और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन के माँ लोड की देख रहे हैं, बड़ी संख्या में खाटू श्याम के अनुयायी और यहाँ पर शोभा यात्रा सोलन माँ लोड पर निकाली गई है। सोलन की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, हालांकि माँ लोड पर इस वक्त वाहनों की आवाजाही भी बहुत रहती है और
और यही वजह है कि जाम की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। सोलन की तस्वीर है और खाटू श्याम की मूर्ति के दर्शन हम अपने दर्शकों को भी करवा देते हैं जो स्थापित हुई है। और सोलन वालोड के एक्सेप्ट नहीं करते आप देख रहे हैं। और जो खाटू श्याम के अनुयायी है उनमें काफी जोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। सोलन के शहरवासियों को बाबा श्याम की तरफ से जो मंदिर बना है
पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस जुड़ाव के लिए। ग्रहण करते हुए